अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हैदराबादी चैंपियन चैनल में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद नूरुद्दीन फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है मारुति नगर रेती बोली मेहदीपट्टनम पिल्लर नंबर 84 से, यहाँ से बिल्कुल आपको प्राइम लोकेशन जो जो है आपको मिलने वाले हैं। अतापुर बिल्कुल करीब में, पंजागुट्टा यहाँ से करीब में पड़ने का आपको, टोली चक्की, लंगर हाउस, गच्ची बोली और समाजीगुड़ा, यानी कि जो फ्लाईओवर है आपको मेहदीपट्टनम से राजेंद्र नगर जाने वाला यानी कि एयरपोर्ट जाने वाला, उससे बिल्कुल करीब में मारुति नगर रेती बोली, यहाँ पर प्राइम लोकेशन पे आपको बहुत ही अच्छे कमर्शियल बिल्डिंग मिलने वाली है जो कि फॉर सेल, जिनकी मंथली इनकम रहने वाली है, रेंटल इनकम 2 लाख रुपीज़। इसीलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल वॉकेबल मेन रोड से बिल्कुल करीब में है और कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल बिट है, सराउंडिंग आप देख सकते हैं, आप खुद यहाँ पर विजिट करिए। इसके अंदर आपको मकानात भी है, पोर्शन बने हुए अलग अलग, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, और नीचे खास मलगी है, एटीएम है, एसबीआई का और एचडीएफसी का भी एटीएम है। सराउंडिंग में आप देख सकते हैं पूरा कमर्शियल एरिया है, आपको हर वो चीज़ की शॉप है और बिजनेस पॉइंट एरिया है ये। ये आगे अपन अपने बिल्डिंग के पास बिल्कुल फ्लाईओवर से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे ये बिल्डिंग रहने वाली है आपको। इसमें क्या है, फ्रंट साइड पर G+2 है और बैक साइड पर G+3 है और नीचे मलगी है, यानी कि आपको इसमें एटीएम है। मैं सब पूरा वीडियो कंटिन्यू बताऊंगा, वीडियो पूरा लास्ट तक चेकआउट करते रहिए। डायरेक्ट स्क्रीन पे ओनर का नंबर है, देखिए सामने एक मलगी है और एटीएम है एसबीआई का, एचडीएफसी का भी, एसबीआई और एचडीएफसी का एटीएम है और बीफ शॉप है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिक्स है, फर्स्ट फ्लोर पर भी इसमें थोड़े हिंदू कस्टमर है और थोड़े मुस्लिम कस्टमर है, यानी कि कमर्शियल एरिया है। देख सकते हैं आप, नीचे एटीएम दिख रहा होगा आपको, एक एचडीएफसी का और एसबीआई का, और यहाँ पर एक बीफ शॉप है, यहाँ पर एक शॉप है, यानी कि रनिंग किराया है इस पर, रेंटल इनकम 2 लाख मंथली होने वाली है मकानात के और शॉप के, यानी टोटल बिल्डिंग का कैलकुलेशन करें तो आपको 2 लाख मंथली इनकम है। देख सकते हैं ये फ्रंट साइड का एलिवेशन है, फर्स्ट फ्लोर पे किराएदार है, या नीचे SBI का ATM और यहाँ पर एक टेंट हाउस और यहाँ पर एक, यानी कि कम बताने का मकसद क्या है, कमर्शियल स्पेस है, बिल्कुल मेन रोड से करीब में, वॉकेबल डिस्टेंस पे है, फ्लाईओवर से रेती बोली मारुति नगर। और प्राइस की अगर बात करेंगे 5.5 करोड़ इसका रहेगा और स्लाइडली निगेशियबल रहेगा। डायरेक्ट ओनर है, 300 स्क्वायर यार्ड पे रजिस्टर्ड बिल्डिंग है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये देख सकते हैं, ये जो फ्लोर मैं आपको बता रहा हूँ ये ओनर साहब का ही फ्लोर है ये, और इसमें जो इनके ओनर साहब यहाँ से ये सेल करके ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने वाले, इसीलिए ये प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए दिया जा रहा है। वरना रेंटल इनकम अच्छी रह के बाद क्यों सेल करेंगे, बल्कि क्वेश्चन आएगा जो मंथली रेंटल 2 लाख इनकम आ रहे के बाद प्रॉपर्टी सेल करने की वजह क्या है बोले तो, ऐसा कुछ खास वजह नहीं है। ओनर साहब और उनके वाइफ रहते थे, वाइफ का इंतकाल हो गया तो उन्होंने उनके बेटी के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हैं। मैं पूरा सारा सर्वे करके जायज़ा लेके मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और डायरेक्ट स्क्रीन पर ओनर का नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। रेंटल इनकम के वास्ते भी आप यहाँ पर मालूम करके, सर्वे करके आप परचेस कर सकते हैं। रजिस्टर्ड है, क्लियर टाइटल है, 96 से डायरेक्ट आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, यानी कि एक ही ओनर है, लिंक डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है, सिंगल ओनर की प्रॉपर्टी है ये। डायरेक्ट आप आके ओनर से कांटेक्ट करके जायज़ा करके परचेस कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब ये जो मकान में आप सामान वगैरह देख के आप समझेंगे, ये सामान वगैरह बिखरा पड़ा हुआ है, ये पोर्शन ओनर साहब की बेटी रख लिए थे, उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में है तो ओनर साहब भी खुद बेच के ऑस्ट्रेलिया मूव होने वाले हैं। नीचे मलगियों का, एटीएम का, एसबीआई का, एचडीएफसी का, बीफ का और टेंट हाउस का, और ऊपर जितने भी फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जो पोर्शन बने हुए हैं पूरे रेंट को दिए गए, सबका 10,000, 12,000, 8,000 ऐसा रेंट है। सब आप कैलकुलेशन करें तो आपको पूरा मलगियों के साथ 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर रेंटल इनकम होने वाली है। आप साइट विजिट करिए, आपको आराम से पूरा समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट कीजिए। जस्ट हमारे वीडियो में आपको है ना इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको लोकेशन बताया जाएगा, ओनर का नंबर बताया जाएगा और प्रॉपर्टी बताई जाएगी। आप जाके जायजा कर सकते हैं, आप यहाँ पर तोड़ के अपार्टमेंट भी बना सकते हैं, और ख़ास बात ये बिल्डिंग में कार पार्किंग की भी फैसिलिटीज़ है, एक कार पार्किंग की, यानी कि ओनर सिंगल ओनर की जो कार है वहाँ पर पार्किंग एरिया भी है, मैं वो भी बताऊँगा आपको। 2 रोड का मकान बिल्डिंग है ये, डबल रोड बिल्डिंग है ये, आप देख सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है ओनर से कांटेक्ट कीजिए, 3 नंबर ओनर के स्क्रीन पे दे दिए गए हैं। मारुति नगर रेती बोली पिल्लर नंबर 84, 300 स्क्वायर रजिस्टर्ड बिल्डिंग फॉर सेल कमर्शियल प्रॉपर्टी G+3। और ये जो लोकेशन है आपको पिल्लर नंबर 84, यहाँ पर जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल्स, होटल्स वगैरह जो भी है, हॉस्पिटल वगैरह, यहाँ पर काम करने वाले, यानी कि बैचलर बच्चे भी यहाँ पर रूम, सिंगल रूम भी आप रखें तो यहाँ पर आराम से किराए पर जाने वाला है।
आप देख सकते हैं बिल्डिंग में आके जायज़ा लीजिए, नीचे भी यहाँ पर किराएदार है, ये ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड, थर्ड, हर जगह आपको किराएदार मिलने वाले हैं और आप जायज़ा ले सकते हैं। और ख़ास बात यह है हर फ्लोर आपको किराया कंटिन्यू जारी है। ऊपर रूम्स वगैरह में भी अपने को बैचलर बच्चे भी, यानी कि जो सराउंडिंग एरिया में होटल्स है, शॉपिंग मॉल्स है और हॉस्पिटल्स है, यहाँ के कई लोग आपको फैमिलीज भी लोग यहाँ पर रेंट से रह रहे हैं, और बैचलर बच्चे भी यानी कि जो आउट ऑफ हैदराबाद से, जो बाहर से जो लोग आके हैदराबाद में जॉब वगैरह करते हैं, काम वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर ऊपर रूम्स वगैरह किराए पर दिया गया है। यानी कि आप यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल भी रूम पर रहे तो आपको आँख मूंझ के किराए पर जाने वाला है। जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है G+3 तो आप यहां से आराम से रेंटल इनकम के लिए बहुत ही सुनहरी मौका है। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, विजिट करिए, जायज़ा करिए। रजिस्टर्ड है, क्लियर टाइटल है, प्राइम लोकेशन है, पिलर नंबर 84। बार बार मैं बता जा रहा हूं, मारुति नगर रेती बोली पिलर नंबर 84, बहुत ही प्यारा लोकेशन है। 5.5 CR स्लाइडली नेगेशियबल। आपका जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा उसके हिसाब से आप ओनर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको भी इसी तरीके से मेरे चैनल पर वीडियो पोस्ट कराना है ऑल ओवर हैदराबाद कहीं से भी, तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9640656856। ये थी पूरी बिल्डिंग की जानकारी, ये है पार्किंग एरिया, देखिए एक कार पार्किंग भी यहाँ आराम से कर सकते हैं, ये भी ओनर साहब की पार्किंग है। यानी कि ज़ईफ एजेड है, सीनियर सिटीज़न है ओनर साहब, अब उन्होंने सिंगल ओनर है, उनके वाइफ का इंतकाल हो चुका है, फैमिली ऑस्ट्रेलिया में, मैंने बेटी वगैरह, तो ये प्रॉपर्टी बेच के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सेटल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉपर्टी सेल किया जा रहा है। तो जो कोई भी हजरात ये प्रॉपर्टी लेके यहाँ पर अपार्टमेंट वगैरह बनाना चाह रहे हैं, यानी बोले तो आप कुछ शॉपिंग मॉल बनाना चाह रहे हैं, यानी तो कुछ भी, आप कमर्शियल स्पेस है, प्यारा लोकेशन है, हर वो चीज़ खरीद में आपको देख सकते हैं, आप खुद यहाँ पर विजिट करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये रूम्स वगैरह में देखिए बैचलर बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए भी, बैचलर बच्चों के लिए भी एक रूम और एक किचन, एक हमाम बाथरूम भी आप दिए गए, तो वहाँ पर 8,000 रेंट आने वाला है उसका, उतनी छोटी एक रूम का, इसका भी एक 8,000 रेंट आ रहा, यानी कि इसमें अपने को टोटल पोर्शन कितने हैं बोले तो 9 पोर्शन है किराए के, और मलगियाँ बोले तो अपने को 6 है इसमें, मलगी 6 मिलने वाले, टोटल 9 और 6 आपको 15 पोर्शन इसमें यानी के मिलने वाले, टोटल कैलकुलेशन कर दो 15 पोर्शन, 9 अपने को पूरे मकानात वगैरह को मिला के, मतलब पोर्शनों को मिला के 9 है, और मलगी वगैरह मिला तो 6 है, तो पूरा 15 है पोर्शन अपने को इसमें, 15 पोर्शन का अपने को 2 लाख मंथली रेंटल इनकम है, रनिंग किराया है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है ओनर से कांटेक्ट करिए, प्राइम लोकेशन पे है रेती बोली, यहाँ से नाना नगर चौरस्ता भी करीब में है, अत्तापुर करीब में है, मेहदीपट्टनम एरिया में जाने वाला है ये, और पंजागुट्टा, सुमाजीगुड़ा, गच्छी बोली, और कोई डिस्ट्रिक्ट से हैदराबाद मूव होने वाले कस्टमर रहते हैं, यानी कि सेट होने वाले रहते हैं रेंटल इनकम के वास्ते भी, अगर सर्च कर रहे तो उन लोग भी ये परचेज़ करके आप नीचे भी रह सकते हैं आराम से, ऊपर का रेंट भी आप आराम से रेंटल इनकम उठा सकते, दे सकते हैं यहाँ पर। इसमें मुस्लिम हिंदू दो भी मिक्स है, मैं आपको बताऊँगा हर फ्लोर पर, मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हर फ्लोर। इसमें से एक दो पोर्शन वाले यानी कि आउट ऑफ हैदराबाद है, विलेज गए हुए हैं तो इसलिए लॉक है, बाकी के जितने भी पोर्शन पे हैं आप आए तक, आप विजिट करने आए तक, इंशाल्लाह हर पोर्शन पे आपको यहाँ पर किराएदार नज़र आएंगे। डबल रोड का मकान है, डबल रोड की बिल्डिंग है ये, ये किराएदार जो बैचलर बच्चे रहते हैं उन लोग हैं इसमें, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी रेंटल इनकम उठाने वाली प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम कमाने वाली प्रॉपर्टी है। इंटरेस्टेड पर्सन कॉन्टैक्ट करिए, विजिट करिए, और इसी चैनल से जुड़े रहे ताकि ऑल ओवर हैदराबाद से आपको अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ के, कमर्शियल प्रॉपर्टी रहने दे या प्लॉट्स या वेंचर्स, हर वो चीज़ की वीडियो ये चैनल पे अपडेट होते रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलते रहे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। ये पोर्शन पर लॉक है आप देख सकते हैं, अभी हम ये पोर्शन पर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक हिंदू फैमिली भी यहाँ पर है, मेरे हिंदू भाई लोग भी यहाँ पर है, हिंदू भी है मुस्लिम भी है, मैं हिंदू भाई लोग से भी पूछा तो उन लोग भी बोल रहे हाँ हम यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मुस्लिम भी है इधर, तो आप आके जायज़ा लीजिए, लेके आप परचेस कर सकते हैं। हमारा काम है ओनली प्रमोशन करना, आप आके साइट विजिट भी करें तो आपको खुद आइडिया होता। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन, मैं टेरिस पे भी जाके थोड़ा बहुत शूट कराऊँ ताकि आपको सराउंडिंग एरिया मालूम होने के वास्ते। तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक चेकआउट करते रहिए, ये भी एक पोर्शन पर कोई बाहर गए हुए, अभी हम आ गए टेरिस के ऊपर, ये देखिए टेरिस, सराउंडिंग में पूरे अच्छे अपार्टमेंट, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह, और फ्लाईओवर भी बिल्कुल करीब में है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है फॉर सेल के लिए। जो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट कीजिए और विजिट कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एड के साथ। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रंट साइड का हिस्सा देख सकते हैं आप। चले वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, अल्लाह हाफिज़।